मैं भी बैठा सोच रहा था, यदि किसी घर में झगड़ा हो जाए तो तीन तरह की पीढ़ियां एक साथ मौजूद होती हैं। सबसे छोटी पीढ़ी होती है, वो आंसू बहाती है कि ये ठीक नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बुजुर्ग लोग होते हैं, सुरेंद्र भाई हैं हमारे, सर्वेश भाई हैं, वो तरह कहते हैं धैर्य से काम लेना, झगड़ा निमट जाएगा। एक बीच का भाई होता है मेरे जैसे, वो कहता है लठ लाना जरा, मैं आऊंगा अभी जरा हो करके। तो मैं वही जो सी बातें तुमने करी है वो तो बुजुर्गों वाली ही थी, और जिनसे बुजुर्गों की उम्मीद थी उन्होंने छिछोरी बातें कर ली। लेकिन मेरा जो बीच का जो क्रम है वो वही है कि लाना लठ लाना, तुम बैठो, मैं जरा सुलटा के आ रहा हूँ। आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है, होठ नहीं भींचे हैं हमने, हमने चीख दबा रखी है। उस चीख को आक्रोश की भाषा में बदलने की कोशिश करता हूँ। रतन भाई, जब वो मुल्क के सैनिकों के सर कट रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ ये पत्थरबाजी, ये बकवास और राजनीति खामोशी, जब मैं देखता हूँ, दो पंक्ति सुन लीजिए, मैं जमीन को आक्रोश की भाषा में बदल रहा हूँ। मैं आंसू नहीं बहा रहा हूँ, मैं उसमें अपने निकलते हुए लाल डोरों को अपने सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। जवानों के गालों पर तमाचे, दिल्ली की खामोशियां, यदि ये पहले निर्णय ले लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये हैरत की बात है कि मैं लेह लद्दाख से जब मैं लौट रहा था तो सैनिकों के गालों पर तमाचों के वीडियो वायरल हो रहे थे, उन पर लातें मारी जा रही थी, और हम कह रहे थे कि ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 सालों की कायरता के बीज है जो हमने कश्मीर में बो दिए हैं और हमारी सेना को बदलने पड़ रहे हैं। दो लाइन सुन लीजिएगा, मैं आपके तालियों में विवशताएं नहीं देखना चाहता, मैं उनमें चिंगारियों का आक्रोश का स्वर देखना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई हरिओम पवार जी की दो लाइन उठा देता हूँ और खुद को शुरू करता हूँ कि किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में, जो कल हुआ है उसे भी याद रखिएगा, और जो सेना के गालों पर तमाचे लगे उन्हें भी याद रखिएगा। आपके मन में भी आया हो जाना चाहिए था या ये हो चुका है, तो विवश व्यक्तियों को कसने की कोशिश कीजिएगा। किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कट गई है कुत्तों के दरबारों में। शेरों की आपकी ताली थोड़ी अंदर से सुन दीजिएगा। अब निशान से बोला क्या हुआ है कि पूरी खादी को दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। बहुत हो चुका मोदी जी, ये मौन तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। 56 इंची सीना है तो उसका भी झार करो, गद्दारों को फांसी दे दो, हार करो या पार कर दो। 56 इंची सेना है तो उसका भी झार करो, सेना को आदेश सौंप दो, हार करो या पार करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। आपने सोचा 350 RDX आया कैसे? अपने आप में एक अजीब सवाल है। अब घर के हमारे बड़े कवि ने कभी लिखा था, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम खाली हो जाए, ये दिन न देखना पड़ जाए इस मुल्क को। मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ और आश्वस्त भी कर रहा हूँ, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए हैं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, इनको खुली छूट दे दो। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा छलन का रक्त पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, चंद सिफरे तो क्या फिर पूरा पाकिस्तान सुधर जाता, चंद सिफरे तो क्या फिर पूरा पाकिस्तान सुधर जाता। छोटा सा मुल्क है और बार बार हरकतें कर रहा है, बार बार मुझे माफ कर रहे हैं, मैं उसे इतिहास याद दिला रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लेंगे। मैं बहुत धीरे पढ़ रहा हूं लेकिन उसकी भविष्यवाणी बांच रहा हूं। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इसका
काश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस काश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, तब 1,00,000 सेना ने कुछ चरणों में आई डाल दी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हिंदुस्तान की सेना का जो गिनीज बुक में दर्ज है। पड़ोसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक थे और फिर वेपन थे, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटने लग जाए ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास थी। और वो कहता है मुझे इंजीन कश्मीर चाहिए, तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध बांट दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ रब्बानी है, ये सोच उनका रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे हौसला देना कि मैं एक कविता और पढ़ सकूं, वरना मेरा काम खत्म हो चुका होगा इस समय, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये कल गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया। एक सवाल कई बार सोचता हूं, ये टेररिस्ट जितनी सेना इतनी पुलिस के बावजूद यहां पहुंचते कैसे, ये सवाल हमेशा मेरे दिल में उठता रहता है। सुकरात लिखते हैं, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं, तीन उंगलियां आपके गिरेबान की तरफ भी झांकती हैं। हम बार बार पाकिस्तान से क्यों सवाल करते हैं, कभी कभी अपने देश में अंदर भी झांक लें कि कहीं यहां तो गड़बड़ नहीं है। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से, लगता है कि चूक हुई है अपने पहरेदारों से। मेरा पहला सवाल है, इसे गंभीरता से सोचिएगा, लगता है कि चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गमा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में। गुरु गोविंद सिंह के बेटे बैठे तो मेरा कहने का मन हो चला, मैं भगत के जोश को फिर से जगाना चाहता हूँ। ये जो शांति है ना, सीमा रेखा नहीं लांगेंगे। मैं राजस्थान से हूं सर, हमारे यहाँ सीमा रेखाओं का अर्थ कागज पर खींची हुई लाइनें नहीं होती हैं। मैं एक लाइन कह रहा हूँ, कहीं चचा सुन रहे हो तो आशीर्वाद दे कि नई पीढ़ी कुछ कुछ कविता लिखना सीख रही है। मैं कई बार हमारे नेता लोग कहते हम सीमा रेखा नहीं लांगेंगे, मैं एक लाइन कहता हूँ, सीमा नहीं खिंचा करती है कविता नाम पर, यदि आज की रात मेरे पास कुछ है तो केवल एक लाइन है, रतन भाई आपको मन चाहता हूँ, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, मेरा मन रखने के लिए ताली बजा देना, मैंने सच्चा कुछ लिखा नहीं जो बोलने जा रहा हूँ, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। मैं भगत के जोश को उसे जगाना चाहता हूँ, सो गए हैं सिंह भारत के उठाना चाहता हूँ, इस तिरंगे को गगन तक मैं उठाना चाहता हूँ, और शांति के कितने कबूतर उड़ सके सीमाओं पर भी, बाज गुरु गोविंद के नभ तक उड़ाना चाहता हूँ, बाज गुरु गोविंद के नभ तक उड़ाना चाहता हूँ, बाज गुरु गोविंद के। तो मैंने कहा शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं धोते, मैं जड़ पर प्रहार कर रहा हूँ, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं धोते। ये बार बार आते ना मानव अधिकार के लोग, इन्हें मारो मत, इन्हें ये मत करो, ये तिरंगे में लिपट के आए, आप मोमबत्तियां लेके खड़े हो जाओ, उड़ते पे जींस डाल डाल के जो आ जाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, वहां से मांगा जा रहा है उसका शव दे दो, मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं सर, ये तरीका सीखना तो इजराइल से सीखेगा, अमेरिका से सीखेगा। एक बार ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था पेंटागन टावर पर, उसी के देश में विमान की सीमाओं को, रडार की सीमा को भेदता हुआ गया, उसके एयरफोर्स की नाक के नीचे से लादेन को खींच के बाहर निकाला, वहीं पर डेड शूट किया और हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। तब मिलता है आतंकवाद, आज के बाद कोई पैर रख के नहीं सोता आप अमेरिका की तरफ, हम गिड़गिड़ा रहे हैं उनकी तरफ, हम आ रहे हैं आतंकवादी मछली जो, ऐसे मिलता है आतंकवाद, सिखा और दिया हमको, जो तो कांटा बोए हुआ है वो फूल बोलिए, हमने आ रहे त्रिशूल उधर से, जो मैं उल्टा बोलता हूँ, जो तोकू कांटा बोए वाय बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से भाला, ये तेवर बदल तरीका बदल जाएगा, ये लश्कर बश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, अगर हम ही इनकी लाशों को
कांखों पर सदा नहीं थोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो, तुम अपने मिमिया के सर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले हल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। हमारे सेना और पुलिस के जवान बैठे, बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया। दुर्भाग्य इस मुल्क का देखिए सर, एक आतंकवादी की तरफ पुलिस का आदमी गन लेकर के जाता है, सेना का आदमी उज्जैन में जाता है या समुद्र किनारे बंबई में जाता है। वो हमारे मानव अधिकार के तथा कथित राष्ट्रदूत प्रकट होते हैं मोमबत्तियां लेकर के, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये फूफाजी नाश्ता कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर किस दिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेमियों के विरुद्ध इन राष्ट्रवाद विरोधियों को खड़ा करना बंद करेंगे? हिंदुस्तान की तस्वीर क्यों ढल रही है इसे समझ लीजिएगा। मैं कई बार एक वाक्य आंकड़ा बोलता हूं और क्रोध में बोलता हूं। 14 आईपीएस ऑफिसर हमने जेल के सीचों में सड़ा दिया, जिस समय विनीत चांद कविता पढ़ रहा। आपने सोचा कभी, मैं अपनी बात को रिपीट करा तो उसने सुना नहीं हो तो, मैं 14 कॉन्स्टेबल नहीं बोल रहा सर, मैं 14 एसपी बोल रहा हूं, इस समय जेल के सीचों में सड़ रहा है, जिस समय विनीत चांद कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों, क्या लगे इन्होंने कुछ टेररिस्टों को गोली मारी थी? मैंने कहा हलवा खिलाते सर, जिनके कंधों के स्टार बढ़ाने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे पर तो आतंकवाद यहां नहीं तो कहां बढ़ेगा? हमने मोदी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मैं 60 साल का 70 साल का इतिहास रो रहा हूं, गा रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मुझे आपका आक्रोश तालियों के रूप में चाहिए। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और फिर को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, मैं गोली सा पढ़ू तो मुझे गोली सी ताली उठे आपकी, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी का इनके पाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी का इनके पाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बरसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। अजीब देश है ये। 250 लोग साइन करते हैं, मुझे बुद्धिजीवियों से बड़ी शिकायत है। एसएसपी महोदय बैठे हैं, सीपी हमारे एसपी बैठे हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग इस देश को ले जाके हर रहे हैं, ये मानव अधिकार के लोग ले जाके हर रहे हैं। सर 350 लोगों ने साइन किए हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों ने, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, और वो हमारी तरह तुम्हारी तरह सामान्य लोग नहीं थे सर, वो बड़े पत्रकार थे, बड़े आईएएस ऑफिसर थे, बड़े कवि थे, तथाकथित बड़े वकील डॉक्टर्स थे, जिन्होंने साइन करे। रात के 3:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खोला। आपने सुना है कभी रात को 2 बजे चीनी की दुकान खुली हो? कभी बताइए के अंदर 3:30 बजे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुला। मैंने पूछा किस लिए? कल इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। कल का दृश्य याद रखना, जैसे भाई ने कहा है, पिताओं के सामने जब उनके बेटे रो रहे होंगे हमारे परिवारों के, तो मेरी बात आपको याद आएगी विनीत चौहान कल क्या कह रहा था। जब इन्होंने कहा कि इन आतंकवादी के बच्चे छोटे हैं, इन्हें फांसी मत लटकाओ, मैं आपकी बगावत की तालियों के नीचे एक बात बोलना चाहता हूँ, निकम्मों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन शहीदों की छोटी बच्चियां नहीं हैं जो अपने पिता को सैल्यूट करके अग्नियां देंगी कल के दिन? आप उनके समक्ष में कभी नहीं, ये कौन सा तरीका है कि आतंकवादियों के बच्चे बच्चे हैं, शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं है? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, आज के दिन हम ये शपथ भी ले ले तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माए, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।